नसों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, या शरीर में डायबिटीज हो, थायराइड की समस्या हो, या फिर वेरिकोज वेन की समस्या हो, माइग्रेन की समस्या हो, हाई ब्लड प्रेशर रहता हो या लो ब्लड प्रेशर रहता हो, सर्वाइकल का दर्द रहता हो, या बाल झड़ते हो, या बहुत ज़्यादा माइग्रेन की समस्या है बहुत लंबे समय से, तो आज मैं आपको ये सारी बीमारियाँ जो भी मैंने बताई और अलग बीमारियाँ जो भी नई उत्पन्न होती हैं, गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है घर पे आयुर्वेदिक तरीके से, घरेलू उपाय की मदद से, बिना एक रुपए भी खर्च किए। दोस्तों, ये हमारी आयु को भी लंबा करता है, शरीर को अंदर से साफ करता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर जब साफ होती है तो हमारा खून भी साफ रहता है, नसें की ब्लॉकेज दूर होती हैं, हृदय स्वस्थ रहता है। तो ये कैसे रहता है दोस्तों? प्राकृतिक भोजन, जो जीवित फूड होता है ना, यानी जीवित आहार, जिसे अगर हम खाना शुरू कर दें तो हमारे शरीर को ये अच्छी तरह से पोषित करता है। जो चीज़ जहाँ पे सेल्स ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो रही है या जिस वजह से डिफॉर्मेशन यानी परेशानी हो रही है, तो ये उसको भी ठीक करता है। दोस्तों, तो ये जीवित आहार क्या है? जो भी तरह, किसी भी तरह के बीज, जो बीज दूसरे को जीवन दे सकते हैं, जो बीज को अंकुरित किया जा सकता है, या फिर इसे अगर आप बोएंगे तो ये इससे एक पौधा निकल कर आ जाएगा, तो इसे हम जीवित बोलते हैं। तो हमें जीवित भोजन का प्रयोग करना है, या जिसे हम प्राकृतिक भोजन भी कहते हैं। दोस्तों, गीता के 17वें अध्याय में बताया गया है, 10वें श्लोक में, ठीक है, भगवान कृष्णा बताए हैं, कहते हैं कि जो भी भोजन, ठीक है, जो भी भोजन हम अगर पका लेते हैं तो इसे 3 घंटे की अवधि में ही हमें खा लेना है, इससे ज़्यादा देर तक हमें नहीं रहना है, नहीं तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए 2 होम रेमेडीज़ लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही असरदार है और बीजों का इस्तेमाल करके बताया गया है। तो सबसे पहला जो बीज है दोस्तों, ये है आपको लोटस सीड्स बोलते हैं इसे, यानी वो कमल के फूल जो आपने देखा है उसके बीज, ठीक है। तो ये बहुत ही फायदेमंद होती है और बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है, हड्डियों को मजबूत बनाती हैं और शरीर में बहुत सारी बीमारियों को दूर करती हैं। इसे हम मखाना बोलते हैं, मखाना आपको मिल जाएगा, आप इसे दुकान से भी लेकर आ सकते हैं दोस्तों। और ये कमल के बीज से बनता है, कमल से निकाली जाती है, कमल के फूल से, बहुत ही फायदेमंद होती है, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और साथ ही साथ ये हमारे शरीर में जितने भी तरह के कब्ज हैं उसको ठीक करता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाई जाती है और ऐसे न्यूट्रिशन, पोषण तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और बीमारी से लड़ने की क्षमता भी देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स तो हमारे, जब हमारा एज हो जाता है तो हमें नहीं खानी चाहिए कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि ज़्यादातर हमें काजू की सेवन कम ही करना चाहिए, लेकिन आप मखाने का सेवन किसी भी उम्र में कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी जो इसमें हम सामग्री मिलाएंगे वो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, बनाना कैसे है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन लेना है, इसमें हमें गाय की दूध लेना है दोस्तों, गाय का दूध का इस्तेमाल करना है। गाय के दूध के अनेकों फायदे हैं, इसे कंप्लीट फूड बोला जाता है, और कैल्शियम की कमी हो या शरीर में जरूरी पोषक तत्व की कमी यहाँ से पूरी होती है। तो अगर आपको देसी गाय की दूध मिल जाती है तो सर्वोत्तम है। 1 ग्लास गाय की दूध डालना है आपको, हल्का गर्म कर लीजिए दूध को, उबली हुई दूध चाहिए। इसमें आपको मखाना को मिला देना है, 1 कटोरी मखाना, पहले हल्का उसको रोस्ट कर लीजिए, ठीक है, मखाना को भून लेना है और उसके बाद इसे हमें डालना है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम डाल देंगे दूसरी सामग्री, जिसे हम ओट बोलते हैं। ओट्स आपको नमकीन वाली भी बाजार में मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं लेना है। ओट आपको साधारण वाली जो आती है, जैसे बहुत ही साधारण जिसमें कोई स्वाद ना हो, वैसे ओट्स करके, जिसे हम दलिया भी बोलते हैं, मिलती है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखती है, 1 कटोरी लेना है। और ओट्स इतनी पावरफुल होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि आपके शरीर में हार्ट के जितने भी बीमारियां हैं, ब्लॉकेज हो, उसको भी ठीक करती है, और साथ ही साथ आपके शरीर को ताकतवर बनाती हैं, शरीर से बीमारियों को भगाती हैं। तो ओट हमें कितना लेना है, ओट समय 1 कटोरी लेनी है और इसे भी मिला देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें 1 इलायची डाल दीजिए, स्वाद के लिए ऑप्शनल है। इलायची के भी बहुत फायदे हैं, ये हमारे दिमाग को शांत करता है, स्वाद भी बढ़ाता है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चुटकी के बराबर, यानी 2 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा, हल्दी का पाउडर। हल्दी के पाउडर में करक्यूमिन होता है, जो कि हमारे जितने भी ब्लॉकेज हैं, नसों के ब्लॉकेज हैं, या फिर किसी भी तरह का शरीर में गंदगी है या सूजन रहता है, दर्द रहता है, तो ये एंटीबायोटिक का भी काम करती है।
अब हम इसमें डाल देंगे दोस्तों एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी के बहुत ही फायदे हैं। दालचीनी अगर दर्द आपको रहता है ना, लगातार अगर सेवन करेंगे तो ये दर्द को दूर करेगा, माइग्रेन के दर्द को भी दूर करता है, सर्वाइकल के दर्द में भी बहुत फायदेमंद होता है। दालचीनी की तेल भी बनाई जाती है, दांत के दर्द में भी बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ जिनको थायराइड की समस्या है वो लोगों के लिए भी दालचीनी रामबाण होता है। जिनको शुगर की बीमारी है यानी चीनी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो दालचीनी का सेवन अवश्य करें। दालचीनी के अनेकों फायदे हैं, ये जोर के दर्द में भी बहुत फायदेमंद होती है। तीनों चीज़ों को हमें, जो भी चीज़ हमने इसमें मिलाया है, आप इसे पका लें लगभग 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद दोस्तों आप इसमें चाहे तो मिश्री कूटकर डाल सकते हैं 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। मिश्री के बहुत फायदे हैं, मिश्री आपको धागे वाली लेनी है, कूटकर इसे डालें। चीनी का प्रयोग नहीं करना है आपको यहाँ पर। आप मिश्री नहीं है तो आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, डायबिटीज हैं तो दोनों भी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। अब इसे हम 3 मिनट के लिए पका के गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे कटोरी में निकाल लेंगे। इसे हमें लेना कब है, तो शाम के समय ज़्यादातर भूख लगती है और उस समय हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं और समोसे, चाट, बाहर के तली भुनी सब चीज़ें हम खा लेते हैं, तो उस समय आप इसको खाइए। शाम के समय बहुत भूख लगती है तो उस समय आप इसे 1 कटोरी बना हुआ खा लीजिए। आपको ये भूख भी, आपका जो भूख है उसको ये कम कर देगा, साथ ही साथ आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करेगा। ठीक है, धीरे धीरे खाना है। चलिए दूसरी होम रेमेडी बताती हूँ। इसमें आपको लेना है कौन कौन सी सामग्री, कैसे प्रयोग करना है, आइए जानते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में हमें सिखाते हैं कि किसी भी बीमारी को जड़ से अगर ख़त्म करना है ना, तो आपके शरीर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। और ये गंदगी कहाँ उत्पन्न होती है, पेट से उत्पन्न होती है। पेट में अगर कोई भी चीज़, अगर खाना सही ढंग से पचता नहीं है तो वो वहाँ पर सड़न पैदा करता है और जिससे शरीर में, खून में अलग अलग तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, तो इसको साफ करना बहुत ही आवश्यक है। तो अभी जो मैं होम रेमेडी बताऊंगी इसमें भी मैं बीज का प्रयोग कर रही हूँ, 2 बीजों का प्रयोग कर रही हूँ और ये दोनों बीजें ही आपके पेट की सारी गंदगी को साफ करेगा और सारी बीमारियाँ, भयंकर से भयंकर बीमारियाँ को दूर करेगा। जोर के दर्द हो या फिर कब्ज की शिकायत हो, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, खाना नहीं पचता हो, नींद नहीं आती हो रात में, आयरन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, पाचन क्रिया सही ढंग से नहीं काम कर रही है, वात की समस्या है, सबको ये दूर करेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है घर में मौजूद जो सामग्री होती है, जीरा। जीरा लेनी है दोस्तों। जीरा आप साह जीरा करके आती है, काली वाली जीरा, वो भी ले सकते हैं, या साह जीरा आती है वो भी ले सकते हैं। जीरा के अनेकों फायदे हैं, हम सभी जानते हैं कि जीरा के कितने फ़ायदे हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे वीडियोज़ हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं ऑल हेल्थी टिप्स के दोस्तों। तो जीरा के अनेकों फायदे हैं, आयरन में होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। दूसरी जो सामग्री हमें लेनी है वो लेनी है हमें अजवाइन। अजवाइन भी बहुत फायदेमंद होती है। अजवाइन के हम सभी जानते हैं कि ये पाचन क्रिया को बढ़ाती है और दर्द में भी बहुत फायदा करती है, पेट को साफ करती है, खून को साफ करती है, नसों के ब्लॉकेज को दूर करती है। तो अजवाइन के अनेकों फायदे हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को, दोनों पाउडर को बिना भुने हुए, या फिर 1 मिनट आप इसे हल्का रोस्ट कर सकते हैं, नहीं भी भुने कोई बात नहीं है, आप इसका पाउडर बना के रख लीजिए। बिना भुना हुआ पाउडर आपको सिर्फ 7 दिन के लिए ही काम आएगा। अगर 1 मिनट आप इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे तो आप इसे लगभग 1 महीने के लिए रख सकते हैं। तो आप दोनों बीजों को बराबर मात्रा में लीजिए और इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। और आपको ये गुनगुने पानी में खाली पेट आपको इसमें से छोटे चम्मच से, यानी 5 ग्राम के बराबर 1 चम्मच, 1 टीस्पून आपको लेना है, मिला देना है गुनगुने पानी में और इसे पानी को पी जाना है। इससे आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा, आपकी जो नसें ब्लॉकेज हैं वो खुलेंगी, खून की कमी दूर होगी और साथ ही साथ आपके शरीर में दर्द को भी दूर करेगा, डायबिटीज़ को दूर करेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करेगा और आपको पूरे समय ताकतवर तरोताज़ा महसूस कराएगा। दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करिए, बहुत लाभ मिलने वाला है और जल्दी से आप लोग स्वस्थ होने वाले हैं।